viewers, welcome to RK Photo Magic Tricks. तो पापा, आज आप मुझे क्या सिखाओगे? आज हम PowerPoint में बहुत ही interesting subject सिखाने वाले हैं, जो कि है ना company वालों के लिए, जो भी company representatives होते हैं, जिनको PowerPoint presentation बनाना होता है, उनके पहले से भी बहुत सारे presentations बने हुए होते हैं, पर उनको 3D में अगर बनाओ, आजकल तो 3D का जमाना है, 3D pictures कितनी अच्छी लगती है, तो उनको कैसे हर figure को 3D बनाना, 3D look देना, वो सब कुछ हम bevel देना, shadow देना, reflection देना, वो सिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 3D arrow से, और शायद अर्शिया ज़्यादा अच्छा सिखा पाएगी 3D arrow। सबसे पहले हम insert पे जाएंगे, shapes पे जाएंगे, और फिर एक arrow की shape ले लेंगे। ठीक है। फिर arrow की shape लेने के बाद आपको जो भी color देना है, right click करके fill पे जाके आप color दे सकते हो। ठीक है। फिर अगर हमें उसको 3D करना है, फिर हम right click करके format shape पे जाएंगे। ठीक है। Format shape पे जाने के बाद हम लोग 3D format पे जाएंगे। 3D format पे जाने के बाद यहाँ पे दो तरह के bevel होते हैं, top bevel and bottom bevel. So हम उन दोनों की properties से खेल सकते हैं, ऊपर नीचे करके जो भी 3D जैसा लगेगा हम उसको select कर लेंगे. और bevel के साथ there are so many things which can create a different look for the figure which we have put in. जैसे आप contour देख रहे हैं, depth देख रहे हैं, आप material देख रहे हैं, lighting देख रहे हैं. Let me जरा मैं easy तरीके से समझाता हूँ. आपको मैं समझा देता हूँ ये एक्चुअली हम ये क्या कर रहे हैं. कोई भी फिगर को 3D फिगर बनाना बहुत ही आसान होता है आपके एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी. आपने कभी आटा गूंदा है? हाँ, आटा या गूंदा मम्मी को गूंदा देखा है ना. और क्ले के साथ आपने कभी खेला है? हाँ. तो देखिये ये जो जितने भी राइट साइड में 3D फॉर्मेट चीजें हैं, दे आर लाइक आपके पास एक फिगर है. फिगर को आप राइट क्लिक करके जब एडिट पॉइंट्स पे जाते हैं, आप देखेंगे दो तीन डॉट्स दिखेंगे. तो अब जैसे उसको खींच रहे हैं ना, जैसे हम आटे को और क्ले को खींचते हैं, जैसे आटे को मोटा कर दिया, चपटा कर दिया, देख लीजिए आप पीछे कैसे हम हर फिगर को डिफरेंटली खींच तान करके. एडिट पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज रिमेम्बर इट्स लाइक अ क्ले, यू पुलिंग इट, यू स्क्वीजिंग इट, उसको बढ़ा रहे, थिकनेस बहुत कुछ कर रहे हैं आप. ठीक है. अच्छा, वो करने के बाद आपको 3D लुक अगर आपको देना है तो बेवल के साथ दे सकते हैं. बेवल के भी बहुत सारे वो होते हैं, जैसे आप देख रहे हो सॉफ्ट बेवल है, टॉप बेवल के अंदर जाके आप उसको बढ़ा रहे हो, तो जैसे आप आटे को ऐसे मोटा करते हो, छोटा करते हो, तो ये आप 3D फॉर्मेट में बेवल के साथ कर सकते हो. अब लाइट्स, अगर आप प्रॉपरली कोई चीज़ पे लाइट्स मारे तो उसका लुक ही अलग आ जाता है, रियलिस्टिक लुक आ जाता है. तो इसके अंदर आप लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं और मटेरियल में जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो मतलब आप पीछे देख रहे हैं कि द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस व्हेन यू ट्राई टू डू दिस. द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड एनी फिगर कैन चेंज. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब अर्शिया ये बताओ, मैंने आपको आटे के बारे में बताया, क्ले के बारे में बताया, अब नाउ व्यूअर्स लेट मी शो यू दैट अर्शिया इज गोइंग टू शो वन ट्रिक. यही सारी चीजें है ना, प्रॉपर्टीज, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी और कैसे ये पिरामिड बना देंगी पहले इंसर्ट शेप करके. अब अर्शिया आप बताइए कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से बताना. ठीक है. सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे, फिर शेप्स पे जाएंगे, फिर हम एक स्क्वायर शेप ले लेंगे. वेरी गुड. फिर उसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाएंगे. वेरी गुड. फॉर्मेट शेप पे जाने के बाद हम लोग उसका टॉप बेवल और बॉटम बेवल के विड्थ 200 कर देंगे, जिससे वो पिरामिड जैसा लुक देगा. एक गलती कर दी अर्शिया ने, यही प्रॉब्लम होती है पावर पॉइंट पे, आप अगर जरा सा भी एक्स्ट्रा भूल जाओ ना, अर्शिया ने इसको गिराना भूल गई. जैसे आपने लिया उसको गिराना, गिराने को क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव. गिराने के लिए आपके पास, आप 3D रोटेशन पे जाते हैं और उसके अंदर प्रीसेट होता है, यू कैन जस्ट सी एज यू आर सीइंग बिहाइंड, सब कुछ चेंज कर रहे हैं हम लोग. 3D रोटेशन भी है ये, राइट और लेफ्ट में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, एरोस से जैसे हम चेंज कर सकते हैं. जब तक हम उसे गिराएंगे नहीं तब तक पिरामिड कैसे बनेगा. पहले हम उसे गिराते हैं, उसके बाद हम उसकी बेवल में जाके ये देखिए प्रॉपर्टीज 100 और वो कर रहे हैं हाइट और विड्थ बढ़ा रहे हैं. देखिए सीधा ये पिरामिड बन गया. दिस पिरामिड विल बी वेरी यूजफुल इन व्हेनेवर यू वांट टू ड्रॉ डिपिक्ट समथिंग. तो जैसे आपने देखा मैंने पिरामिड तो बना दिया, अब उसको कलर करना हो तो कैसे करेंगे अर्शिया? वही राइट क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे और जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट. ये तो आपने इजी बच्चों वाला बता दिया, लेकिन मेरे को अगर इसको जरा सा पिरामिड वाला लुक देना है तो मेरे को टेक्सचर पे जाना पड़ेगा. टेक्सचर पे अगर मैं जाता हूँ राइट क्लिक करके, आप देख रहे हैं टेक्सचर पे मैं ले लेता हूँ जरा सा सैंड कलर या वुड कलर ले लेता हूँ, तो ये चेंज हो जाता है. और मैं आपकी पिक्चर डाल दूँ क्या इस पे पिरामिड पे? हाँ बिल्कुल. कैसे? राइट क्लिक करके टेक्सचर की जगह पिक्चर होगा, वहाँ फिल पिक्चर पे जाके आप पिक्चर उसमें डाल सकते हैं, तो आपका पिरामिड पिक्चर में हो जाएगा. पिरामिड इज वेरी यूजफुल इन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस बिकॉज इसमें हायरार्की भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं
छोटा छोटा आप इसको अलग अलग काट के, जैसे आपने नीचे जो बनाया था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक दो तीन और उसके ऊपर पिरामिड, इट ऑल्सो डिपिक्स द हायरार्की इफ यू वॉन्ट टू शो इट इन योर प्रेजेंटेशन, प्लस द 3D लुक ऑलवेज इज मच बेटर। और ये बाद में है ना, ये बहुत काम में आएगा, ये अर्शिया आपको एक सीनरी भी बना के दिखाने वाली है जिसके अंदर ये बता सकती है कि कैसे हम लोग हाथ से डायग्राम्स बना सकते हैं। बट वो सीनरी वाला अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बात करते हैं, राइट? और वो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा माय नेक्स्ट एपिसोड में। So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Ashir via ashir@gmail.com. That's ashya@gmail.com. And RK via RK Photo Magic Tricks @gmail.com. Hey!